सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टुडेज न्यू वीडियो। एंड भाई आज आपका स्वागत है फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे भाई, ये है हमारे पास एक तो हीरोंडा HF डीलक्स, और ये है भाई हीरोंडा अपनी सिटी डीलक्स जो आजकल बहुत ही वायरल है। तो भाई मैं अगर बात करूँ बाइक की, तो भाई पहले तो भाई आप बाइक की कंडीशन देख लो दोनों की। तो भाई कंडीशन के मामले में तो देखो भाई ऐसा है कि अपनी बाइक तो भाई आपको पता ही है हम कैसे रखते हैं, तो साफ आप तो अपनी बाइक तो नंबर वन पे है ही कंडीशन के मामले में। साथ ही साथ भाई बात करें भाई एवरेज की और स्पीड इंजन के बारे में, तो भाई वो भी ऑलमोस्ट सेम है, पर कहीं ना कहीं स्पीड की बात मैं कहूँ तो मेरे को ये लगता है भाई जैसे ओल्ड हो चुकी है, तो मैं कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी कमी महसूस होने लग गई है। अगर बात करें इसी कंडीशन भी थोड़ी, तो भाई दोनों टक्कर की कहेंगे, ऐसा कुछ इतना खास वो है नहीं। तो भाई आप देख लो कंडीशन, भाई ये है 2006 मॉडल और ये है 2015 मॉडल, देख सकते हो भाई मतलब इसकी तो भाई मतलब क्या ही हालत रखी है। और आप अपनी देख लो भाई 2006 मॉडल है ये, और अब चल गया 2021, देख लो भाई कहीं से मतलब एक भी स्क्रैच स्क्रैच मिल जाए ना तो भाई आप बता देना कमेंट में। तो भाई अगर मैं बात करूँ, अगर आप दोनों कन्फ्यूज हो भाई, बहुत से भाई कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई मिडिल क्लास आदमी है भाई कौन सी बाइक लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए HF डीलक्स लेनी चाहिए, तो भाई मैं अगर मैं बात करूँ तो भाई आंख बंद करके भाई आपका इन दोनों के बाइक में तो कोई डिफरेंस इतना खास है नहीं, क्योंकि भाई सेम कंपनी है सेम सब कुछ। अगर बात मैं करूँ एवरेज की, तो भाई जैसा मेरे को पता है भाई कहीं ना कहीं इसकी 2 किलोमीटर फालतू इसी बाइक की एवरेज है। और दूसरी चीज़ भाई कभी भी आपको मतलब इन दोनों बाइक में कभी लेनी हो तो आप कन्फ्यूज हो गए भाई कौन सी बाइक ले, HF डीलक्स ले या सिटी डीलक्स ले या फिर स्प्लेंडर। तो भाई जो न्यू स्प्लेंडर है मेरे को कहीं ना कहीं उसमें भाई थोड़ी कमी लग गई है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो भाई आपको कहीं ना कहीं HF डीलक्स की तरफ आना चाहिए अगर आप स्प्लेंडर हो उसमें कंपेरिजन करते हो। अगर भाई आप बात करते हो सेकंड हैंड बाइक की, तो भाई सेकंड हैंड बाइक में मैं इस बाइक को रिजेक्ट करूँगा, क्योंकि भाई ये सेकंड हैंड अब नहीं गई लायक, क्योंकि भाई इसकी ये बेकार हो जाती है कुछ दिनों बाद। अगर सी डी डिलक्स मिलती है सही रेट में, तो भाई बढ़िया कंडीशन कुछ जैसे हमारी बाइक है, तो भाई आंख बंद करके ले लेना, इससे बढ़िया बाइक शायद ही नहीं होगी। और भाई लुक की वाइज में बात करूँ, तो भाई लुक वाइज तो देखो कहीं ना कहीं भाई ये थोड़ा मौका मार जाता है, क्योंकि भाई इसमें ये रेड कलर की ये दोनों साथ दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं बस यही कमी है, बाकी भाई सेम है। तो भाई यही थी वीडियो, मैंने सोचा बना देते हैं, और भाई सेम से ऑलमोस्ट सेम है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई मैंने बोला हुआ है आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो यार, किस बात का वेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।